नाजमा राव जी। नाजरीन, आज मैं जो है पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ और आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रियल स्टेट जो है उनके लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एफबीआर के खिलाफ। देखा जाए तो पाकिस्तान में बढ़ते हुए रेट और दिन ब दिन टैक्स में इजाफे से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि आखिर में अक थक के जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। यहाँ पर जो है रेल स्टेट के जो है वो चेयरपर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वो आज यहाँ पर रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे यहाँ पे इकट्ठे होने की वजह यह है कि इस बजट में रियल स्टेट के ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए गए। आज से तीन साल पहले 2016 में पाकिस्तान के मामलात बहुत अच्छे चल रहे थे, हमारे पास ना फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी ना डॉलर की प्राइस इतनी ज़्यादा थी, पर जब इसहाक डार और हारून अख्तर की तरफ से रियल स्टेट इंडस्ट्री पे 2 जून 2016 में एक शब खून मारा गया जिसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी डिस्टर्ब हो गई, डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया, पाकिस्तान में रिजर्व आना कम हो गए, इंडस्ट्री कोई नहीं लगी, जिसकी वजह से आज डॉलर की प्राइस 160-165 रुपये हो गई है। और अब वही काम, हमारा ये ख्याल था कि नई हुकूमत आएगी, इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी, वो एक नई पॉलिसी नई विजन के साथ आएगी, मगर उन्होंने भी आके वही काम किया कि नलायक ब्यूरोक्रेट्स, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, वही काम किया, दोबारा टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि मेरा ख्याल है कि मुल्क चलना नामुमकिन होगा। आज वो लोग जिन्होंने 2016 में टैक्सेस लगाए थे वही आज कहते हैं कि हारून अख्तर साहब कहते हैं कि वो तारीख की बहुत बड़ी गलती थी जो हमसे हुई है, हमें ये नहीं करना चाहिए था, आज वही गलतियाँ ये लोग दोहरा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ज़ाती तौर पे अगर ये पॉलिसीज चेंज ना हुई तो ये डॉलर 500 रुपये पर चला जाएगा, सोना 200 रुपये तक 1 लाख रुपये तक चला जाएगा और ये मुल्क की इकॉनमी इनसे किसी सूरत भी कंट्रोल नहीं होगी। यहाँ पे हम सिर्फ डीलरों के लिए नहीं आए, यहाँ पे हम पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की इकॉनमी इकॉनमिस्ट नहीं बना रहे, ये वो टेक्नोक्रेट्स बुला रहे हैं जिनके पास इतनी अकल ही नहीं है, इतना विजन नहीं है, 70-70 साल उनकी उम्र है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसीज़ बनानी है। ये बताएं कि अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आगे जो आपका लाइअमल है वो क्या होगा? हम यहाँ पे धरना देंगे, एक पूरा मन धरना देंगे, हम यहाँ पे बैठेंगे, हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, हम डिफेंस में लालक जान चौक में धरना देंगे, हम अपनी तहरीक का आगाज़ वहीं से करेंगे जहाँ से इमरान खान साहब ने नून लीग के खिलाफ अपनी तहरीक का आगाज़ किया था, हम इमरान खान साहब के हम लालक जान चौक से अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला, और उसको हम उस एहतजाज को हम मुल्कगीर एहतजाज की शक्ल में बदल देंगे। आपने ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि तब्दीली सरकार ने जो है यहाँ पर आकर जो है तो अपना इख्तदार तो संभाल लिया, लेकिन आम आवाम के लिए अभी तक क्या किया है? आम आवाम के लिए उन्होंने मुश्किलात पैदा की हैं और मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। आज आप देखें कि ये मिनिस्ट्री स्कीम आई है उससे भी कोई रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हुआ और उनको समझ ही नहीं आ रही उन्होंने करना क्या है। हर थोड़े से बाद जो है वो पॉलिटिशियंस चेंज हो जाते हैं, पहले असद उमर साहब थे उनको चेंज कर दिया, अब नए आए उनको भी कुछ पता नहीं है, बजट के इतना करीब लोगों को चेंज करना, पहले ही कोई वर्किंग ही नहीं थी, इसका मतलब तो ये है इनकी कोई वर्किंग नहीं थी हुकूमत में आने से पहले, ये अभी आके तजर्बे कर रहे हैं और मुझे लगता है ये तजर्बे हैं कहीं हमारी इकॉनमी की खाई गई गाड़ी जो है कहीं खाई में ना गिर जाए। सर वोट दिया था? जी बिल्कुल दिया। किसको दिया? पीटीआई को। सर क्या सोच के दिया? कुछ तब्दीली आएगी? क्या तब्दीली आएगी? मगर कोई बेहतर तब्दीली नहीं आ रही अभी भी हम ये उम्मीद करते हैं कि खुदा रहा इन ब्यूरोक्रेट्स को चेंज करें, यहाँ पे कोई इकोनॉमिस्ट ला के बैठाएं जो कि आज भी हमारी दुआएं इमरान खान के साथ है कि वो इस मुल्क के लिए कुछ करें, मगर ये लोग जो बैठे हुए हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इतना विजन ही नहीं है, यहाँ पे बंदे बेशक बाहर से बुलाएं अच्छे बजट बनाने के लिए इकॉनमी को बेहतर करने के लिए बेशक बाहर से बंदे बुलाएं, पर खुदा रहा इस आवाम को इस गरीबों का कुछ सोचें। बजट की बात की जाए तो अरकान असम्बली जो है वो कहते हैं जी ये जो बजट पेश किया गया है ये जो है अवाम दोस्त बजट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें अवाम दोस्त की तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, कैसे अवाम दोस्त है? पूरी रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसने दुबई में इनकलाब ले आया, रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो सिंगापुर में इनकलाब ले आया, तुर्की में होल्डिंग्स लगे हुए हैं 2-2.5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ पर रेजिडेंस वीज़ा लें, दुबई कह रहा है कि 1 मिलियन दरम की इन्वेस्टमेंट करें तो रेजिडेंस वीज़ा ले, हमारे जो अपने शहरी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बाहर बैठे यहाँ इंडस्ट्री नहीं चला सकते, वो अपनी सेविंग्स यहाँ लाना चाहते हैं और हम उनको मना करेंगे तुम यहाँ पे अपने पैसे मत लाओ, हमें उनको वेलकम करना चाहिए, उल्टा हम उनको रोक रहे हैं, ये कहाँ का सही बजट है, ये कहाँ की इकॉनमी है, ये कहाँ की पॉलिसी सही है? सर आप मुझे ये बताएं कि मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछूंगी कि आप तब्दीली सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इमरान खान साहब को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी इनके अपने लोगों की पॉलिसीज़ पे गौर करें,
ये इस बजट पे गौर करें और जो दुनिया कर रही है उस पे गौर करें। अगर दुनिया रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट को वेलकम कर रही है तो आप उसको डिस्करेज क्यों कर रहे हैं? अगर मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर ये रियल स्टेट सेक्टर को सही तरह से मैनेज कर ले, 5 साल में पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर सकता है और इमरान खान साहब को डॉलर मांगने के लिए दुनिया में भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। चेयरपर्सन थे, मजीद यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये आज रोड पर खड़े हैं और जो है अपने हक के लिए। अगर देखा जाए तो ये फैसल चौक का जो एरिया है ये एक ऐसा चौक बन चुका है, मैं तो कहूँगी इसको फैसल चौक से इसका नाम चेंज करके इसको धरना चौक कह दिया जाए। अगर आवाम को अपनी अगर फैसिलिटीज़ के लिए निकलना पड़ता है, अपने इंसाफ के लिए निकलना पड़ता है, तो वो जो है वो यहाँ पर आके धरना देते हैं, जलीलो खवार होते हैं और उसके बाद जो है उनके फिर भी मुतालबात नहीं माने जाते। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। देखें, इन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था कि जी हम तब्दीली लेके आएंगे, आप ये कैमरा लेके पूरी मार्केट में चले जाएं, आप यकीन करें कि प्रॉपर्टी के साथ साथ बाकी जितनी इंडस्ट्री है, 72 इंडस्ट्री है जो डिस्टर्ब है इस वक्त। ये समझते हैं कि पता नहीं, ये देखें, ये जो जितने लोग यहाँ पे आए ये टैक्स देना चाहते हैं, हमारा हरगिज़ मकसद नहीं है कि टैक्स नहीं देना चाहते, ये लेना नहीं चाह रहे टैक्स। मुझे ये बताएं, एक नाल का प्लॉट जब हम ट्रांसफ़र करवाते तो 8 लाख रुपये गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है, और ये भाई लेना ही नहीं चाहते। पता नहीं ये फील्ड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, कौन से लोग इनको मशवरा देते हैं। इन्होंने किसी हमारे नुमाइंदे को ऑन बोर्ड नहीं लिया, किसी को मशावरत में शामिल नहीं किया। बजट इस तरह तो नहीं बनते, बजट तो बनाने के लिए लोगों सर वो कह रहे हैं कि ये जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट है। ये मुझे इसमें कोई, ये जितनी अवाम खड़ी है ये किस लिए यहाँ पे आई? अगर ये अवाम दोस्त होता अम्बा यहाँ होते। DHA के अंदर खाली, मैं DHA की बात करूँगा, 30% ऑफिस लोगों के बंद हो चुके हैं, लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। आप ये देखेंगे ग्वादर से लेके पेशावर तक, आप सर्वे करें ज़रा। मैं 24 न्यूज़ को चैलेंज करता हूँ, आप ये कैमरा लेके जाएं हर तरफ, हर बंदा रोता नज़र आएगा आपको, इनने बेड़ा गर्क कर दिया है। हम तो कहते हैं कि या अल्लाह ये आए क्यों हैं, हम तो बड़ी इनको हमें दावे से लेके आए थे, ज़्यादातर हमारे लोगों ने PTI को वोट दिया है, लेकिन आज हमें इतना अपसेट है, हम इतने परेशान हैं। आप यकीन जाने हमारे घर में 2-2 टाइम की रोटी नहीं पक रही, यकीन जाने हम सफ़ेद पोश लोग हैं, इन्होंने मजबूर कर दिया हमें सड़कों पर आने के लिए। मेरी इमरान खान साहब से, पूरे PTI से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने भी बड़े धरने दिए हैं, लेकिन इस तरह ना करें, जुल्म ना करें, ये जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ। यकीन जाने ये जो शब्बर जैदी साहब कर रहे हैं, ये धमकियाँ दे रहे हैं आवाम को, हर बंदा टैक्स देना चाहता है, ये क्यों नहीं लेना चाहते? FBR की जो चेयरपर्सन है उनका ये कहना है जी हमने टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है वो आवाम के लिए निकाली है, वो आए वो हम उनको जो है करते हैं फाइलर करते हैं, फिर भी आप क्यों? देखिए मेरी बात सुने, पहली बात ये है कि इन्होंने ये जो इस वक्त FBR रेट लगाया है, मुझे ये बताएं, मैं एक सिंपल सी मिसाल आपको देता हूँ। DHA हमारा Phase 6 है, वहाँ पर 97 लाख था पहले एक कनाल की FBR वैल्यू, इन्होंने जो है 2.25 करोड़ वैल्यू कर दी है, वहाँ पे 1.5 करोड़ का प्लॉट है, और मुझे भी बताएं कि प्राइस से ऊपर भी कभी इसको FBR रेट हुआ है? कौन लोग इनको ये मशवरे दे रहे हैं? इनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट चलाई कैसे जाती है। मैं दावे से कहता हूँ, अगर ये अपने ये जो बजट है इसमें ये रिलीफ नहीं देंगे लोगों को, ये ग्वादर से लेके KPK तक ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये आप देखें, ये जो सेंट्री वाला बैठा हुआ है, बिजली वाला बैठा हुआ है, इटू वाला बैठा हुआ है, बेशुमार इंडस्ट्रीज के साथ इन्वॉल्व हैं, इनको समझ ही नहीं है। दूसरी आप एक और बात देखें, जितना बाहर का रेवेन्यू आता था 30% हमारे ओवरसीज कस्टमर थे, जिन्होंने पाकिस्तान में पैसा भेजना बंद कर दिया है। इसके अलावा जिन लोगों की प्रॉपर्टी में जिन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने क्या अपने मुल्क में गलत किया है? वो भी फिर उंडिया वाला करके और वो भी बाहर भेज देते पैसा, अच्छी बात थी? हमारे हमने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट कराई है लोगों की, हम तो एम्बेसिडर का काम कर रहे हैं, लेकिन आज देखें हमें इन्होंने सड़कों पर जलीलो ख्वार कर दिया है। तो मेरी एक हमें बाला से, खुसूसी इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि आप ये लोगों की बदवाएँ नहीं ले सकेंगे, ये बदवा आपको लग जानी है। खदारा ये लोगों का आप जो है लोगों के जो ये दुख के अपना अजाला करें, अगर आप अजाला नहीं करेंगे ये कूम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, और दोबारा जिंदगी में PTI को वोट कोई नहीं देगा, मैं दावे से कहता हूँ। अभी जो अगर देखा जाए तो असेंबली में जो है अभी भी जो है वो इजलास जारी है, ठीक है जी,
बजट पास हो चुका है, सुई गैस 200% जो है वो बढ़ चुकी है, पेट्रोल बढ़ चुका है, आटा चीनी घी, मतलब कि एशिया खुद नोश है, उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, अगर मजीद इसी तरह ही आए दिन नए टैक्स लगते रहे तो गरीब आवाम का क्या होगा? देखिए गुजारिश ये है, मैं कोई सियासी लीडर तो नहीं हूँ लेकिन मैं एक आम शहरी की हैसियत से बात करूँगा। देखें ये जो लोग इनको लेके आए हैं ये उनका काम है कि वो खुदा का खौफ करें। अगर ये वोटों से आए या सिलेक्ट होकर आएंगे हमें नहीं पता। हम तो ये कहते हैं कि जो आप जो लेके आए हैं 50, आप कहते थे हम 50 लाख घर देंगे, हम करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है आपकी करोड़ नौकरी मुझे बताएं? दे तो रहे हैं। ये कौन सी ये नौकरी है, ये देखिए बेरोजगारी दे तो रहे हैं। ये बेरोजगारी दे रहे हैं हमें, तो इसी वजह से हम फिर खुआर हो रहे हैं ना। ये बताए ना, उन्होंने कहा 1.5 करोड़ नौकरी मिलेगी, लोगों को घर मिलेगा, लोगों को बेघर तो कर रहे हैं, बेघर कर रहे हैं। एक आप ये देखें कि 40 लाख रुपए का पहले इन्होंने एक स्लैब सेट किया था, एक गरीब आदमी मुझे ये बताया कि इन्होंने 5 लाख रुपए वाले बंदे को कहते जो उसका भी ऑडिट होगा, एक बंदा कमेटियां डाल के पता नहीं अपने बच्चों के लिए 5 लाख इकट्ठा करता है, ये कहते जी उसका भी हमें बताओ हिसाब किताब दो। ये जैसे हिसाब किताब मांग रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसे हिसाब किताब कोई नहीं मांगता। ये मुल्क दुश्मन पॉलिसी कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मन पॉलिसी है। ये जो लोग खड़े हैं ये यकीन जाने इनकी वजह से हज़ारों लोगों के खानदान चलते हैं, लाखों लोगों के चूल्हे चलते हैं। मुझे बताएं कि आप इस इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये इंडस्ट्री क्या इनको पैसे नहीं दे रही? तब्दीली आई है ना, तब्दीली फिर इस तरह की तब्दीली को तो फिर आनी चाहिए, तो अल्लाह की मेहरबानी से इनके घरों में भी आएगी। तब्दीली तो आप ही लेके आए हैं। हम नहीं लेके आए हैं, हमने तो सोचा था कि कुछ ये कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन ये तो पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। 70 साल मैं मुझे 16 साल हो गए कारोबार करते हुए, ये मेरे सारे भाई खड़े हैं जिन हालात में आज लोग जिंदगी, हम रियल स्टेट वाले नहीं, आप किसी आम शहरी के पास चले जाएं, आप किसी शॉपकीपर के पास चले जाएं, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा रो रहा है। तो ब्राय मेहरबानी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो है ना, ये जो कर रहे हैं मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ, अगर इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा तो ये लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, और ऑलरेडी आपको पता है कि 20 से 25 लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। मजीद जो है ये करोड़ अभी जो 1.5 लाख नौकरियाँ निकलनी थी वो इसी तरह निकलेंगी ना, लोगों के कारोबार बंद होंगे तो नहीं अपॉर्चुनिटी है। इसका देखे ना मीडिया वाले हमसे ज्यादा अवेयरनेस, आप लोगों को ज्यादा पता है, तो बराए मेहरबानी आप हमारी आवाज़ बने। हमारी ये तहरीक अल्लाह की मेहरबानी से ख़त्म नहीं होगी। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारा ये ऐद है कि ये PTI जो है ये लालक जान चौक से स्टार्ट हुई थी और इंशाल्लाह इसको लालक जान में ही दफन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर इन्होंने हमारा ये जो आज इन्होंने बजट तो मंजूर कर लिया है, लेकिन ये बजट मंजूर हम नहीं इसको मानते। कभी किसी आवाम के मशावरत के बगैर को बजट मंजूर हुआ मुझे बताएं? ये एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी कौम निकलेगी और इनको जूते मारेगी अल्लाह की मेहरबानी से। ये अगर ना ठीक हुए इनको जूते मारेंगे, ये जो है हमारे पास वोट मांगने नहीं आ सकेंगे। पीटीआई की एमपी एक अंदर कहती हैं, वो अनाउंस कर रही हैं कि बजट ऐसा हम लोगों ने पेश कर दिया है कि आइंदा 10 साल भी जो है वो पीटीआई की हुकूमत रहेगी। देखें ये जो इनको लेके आए हैं ना, मैं तो उनसे बात करूंगा, मैं तो इनसे बात ही नहीं करना चाहता। खुदा रहा ये उनका हक बनता है, इनको अक्ल के होश के नाखन लेने चाहिए। मुल्क से रेवेन्यू बाहर जा रहा है, आप देखें तुर्की में चले जाएं, जैसे मेरे भाई ने फरमाया वहाँ होल्डिंग लगे हुए हैं, 2.5 करोड़ के ऊपर वो रेजिडेंसी दे रहे हैं। हम क्या ये जुल्म कर रहे हैं कि लोगों का पैसा पाकिस्तान में ला के उनकी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं? ये गलत काम है मुझे बताएं। एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो करोड़ों रुपया रेवेन्यू जनरेट होता है, कम अज़ कम इनको एक महीने का अरबों के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होता था, वो रुक चुका हुआ है मुकम्मल तौर पर। आपकी सारी इंडस्ट्री, आपकी जितनी कंस्ट्रक्शन का काम था, आपका जितना रियल एस्टेट सेक्टर था, ये सारा बैठ चुका है। आपके डेवलपर भाग रहे पाकिस्तान से, हर बंदा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। तो ये तब्दीली सरकार किसके ऊपर बजट बनाएगी मुझे बताएं? इनकी पॉलिसी इसी वजह से नाकाम हो रही है। इनके जो हैं आप ये देखें, इन्होंने जो मुझे बताया एमनेस्टी दी है, लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है इनके ऊपर। जब ट्रस्ट लेवल खत्म हो जाता है तो एमनेस्टी कामयाब नहीं होती। बड़ी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं लास्ट टाइम चीफ कमिश्नर का इंटरव्यू करके आई थी FBR का, ठीक है, उन्होंने कहा जी हमने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम। देखें अमेरिका जैसी कंट्री में पूरा साल एमनेस्टी चलती है, ये कौन सी बात है जी एक महीने के बाद एमनेस्टी बंद हो जाएगी? ओ भाई आप पाकिस्तान को चलाना चाहते हो कि इसको बंद करना चाहते हो? ये वो खान साहब हैं जो इस्लामाबाद में खड़े होके तो क्या लोगों को तरकीबें देते थे मुझे बताएं? क्या यही तब्दीली के लिए हमने वोट दिया और हमें ये ख्वार कर रहे हैं? आप यकीन करें ये तहरीक हमारी ख़त्म नहीं होगी जब तक ये अपने जो रियल जो हमारे मुतालबात हैं मंजूर नहीं होते। आपसे मैं लास्ट सवाल छोटा सा ये करूँगी कि अंदर अभी भी जो है वो बजट पे बहस चल रही है, जो ओपोजिशन वाले हैं वो जो है बजट के खिलाफ हैं, लेकिन जो
छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी कि आप इमरान खान साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इमरान खान साहब को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, ये आपके साथ सारे लोटे बैठे हुए हैं, लोटे, ये कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया हुआ है, अपने अक्ल से काम करो, लोटू के ऊपर ना जाओ, ये लोटे हैं सारे तेरे साथ जो हैं, तो लोटू के ऊपर जाओगे तो नाकाम हो जाओगे भाई। आपकी तब्दीली, आपको किसी ने किसी जगह आप जलसा नहीं कर सकोगे, तो ब्राय मेहरबानी लोटू की बातें छोड़ दो, अपने जहन से काम करो। ये जो थी ये एक आम आदमी की आवाज थी, ये वो आवाज थी जो बजट के बाद जो है जब लोगों के घरों के चूल्हे जो है वो ठंडे होना शुरू हो गए, तो फिर इन्होंने ये इस तरह जो है वो प्रोटेस्ट किए और जो है रोड़ों पे निकल के अपने मुतालबात को मनवाने के लिए जो है हमली यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखा अगर देखा जाए तो मेरे कैमरामैन दिखा सके तो रियल स्टेट वालों ने जो है एहतजाजी जो है वो जो है बैनर भी उठाए रखे हैं, और देखा जाए तो ये वाकई किसी भी रियासत को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी जो आवाम है वो खुशहाल हो, उसको जो है वो कारोबार मिले। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यू टर्न लिया जा रहा है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था तब्दीली आएगी, लोगों को जो है वो नौकरी रोज़गार मिलेगा, लोगों को घर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों के घर जो हैं वो छीने जा रहे हैं, लोगों के कारोबार जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। आए मजीद इधर लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कहाँ से आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं डिफेंस से आया हूँ और रियल इस्टेट सेक्टर से वाबस्ता हूँ और इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ। तो आज हम लोग अपने रोज़गार को बचाने के लिए निकले हैं और गरीब आम इंसान के लिए निकले हैं। ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना और भी दोबर और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक आम आदमी 5 मरले का घर या प्लॉट लेते हैं तो जिसके ऊपर उसको फाइलर बन के ट्रांसफ़र जो खर्चे आएंगे वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख से कम ना हैं। ये जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए हैं इससे उसको प्लॉट खरीद तो वो लेगा सस्ता, लेकिन उसको उस अपने नाम मुंतकिल कराने में बहुत सारी दुश्वारियां पेश आएंगी। तो इस वक्त हम लोग अपने रोज़गार के साथ साथ आम इंसान और आम पब्लिक के लिए रोडों पे खड़े हैं। सर आप मुझे ये बताएं, टैक्स एमनेस्टी स्कीम निकली है वो आवाम के लिए निकली है ना, कि वो सियासतदानों के लिए निकली है? देखें टैक्स एमनेस्टी स्कीम बुरी तरह से फ्लॉप हुई है और उसको कामयाब करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को 2 दफ़ा आके आवाम से अपील करना पड़ी है। इसका मतलब ये है कि ये आवाम इस हुकूमत पे एतबार नहीं कर रही कि एमनेस्टी स्कीम को हम अगर अवेल भी करते हैं तो फिर भी हमें जो है वो ऑडिट का और मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि वो लोग डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और डॉलर्स आप देखें इन्हीं दिनों में जबकि ये हमारी एमनेस्टी स्कीम चल रही थी उसका रेट 140 से 165 पे चला गया है। तो लोगों ने एमनेस्टी स्कीम को मुस्तरद करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डॉलर्स में इन्वेस्ट किया है, रियल एस्टेट सेक्टर को मुस्तरद करते हुए डॉलर्स में इन्वेस्ट किया है, और डॉलर्स के बढ़ने से हमारी आवाम दिन ब दिन एक एक रुपये की वजह से अरबों और खरबों रुपये में मकरूज होती जा रही है। जी नासिर यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये इस तरह जब रोड्स पे निकले हैं तो क्या इनके मुतालबात हैं और ये क्या समझते हैं कि तब्दीली सरकार इन आम आदमियों को इंसाफ देगी, क्या तब्दीली सरकार गरीब को रोज़गार देगी, क्या तब्दीली सरकार जो है इस तरह से कोई फैसिलिटीज देगी, ये बजट की कोई रोकथाम होगी? वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप कहाँ से हैं? मैं DHA का वाइस चेयरमैन हूँ, DHA एसोसिएशन हमारी जो DHA लाहौर, तो बस इधर इसी लिए आए अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। पहले हमें इसहाक डार साहब ने मारा नून लीग की हुकूमत ने, अब PTI की हुकूमत आ गई, ये तो बिल्कुल ही हमारा कहते हैं कि ऑफिस वगैरह सारे बंद कर दो, बिज़नेस ख़त्म कर दो, क्योंकि वाहिद रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि पैसा जनरेट करता, ओवरसीज़ जो पैसा आता है सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में आता है। मैं लॉजिक बताता हूँ कि ओवरसीज़ बंदा इधर फैक्ट्री नहीं लगा सकता, पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल नहीं लगा सकता, वो बंदा सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर उसकी सेफ इन्वेस्टमेंट है वो करता है यहाँ आके, ठीक है। इसमें इसीलिए वो भी बंद हो गया है, अब वो लोग दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुमालिक ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को कि आप लोग हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी खरीदें, नेशनलिटी लें और हमारे साथ यानी कि बिज़नेस करें। पाकिस्तान में हम इस टाइम लोगों को भगा रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई बंदा प्रॉपर्टी ना खरीदे, उल्टा यहाँ से बाहर जाके प्रॉपर्टी खरीदे, यहाँ का पैसा भी बाहर शिफ्ट हो रहा है दुबई वगैरह में पाकिस्तान का,
तो इसलिए रियल इस्टेट का बिज़नेस चलना चाहिए, चलना देना चाहिए। और FBR तो बिल्कुल नजायज़ हमारे साथ शब्बर जैदी साहब जो FBR कह रही है कि हमने टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है वो आम आदमी के लिए लॉन्च की है, हम लोगों ने उनकी फैसिलिटीज़ के लिए लॉन्च की है। नहीं 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 बिल्कुल कोई नहीं की। एमिनिटी स्कीम की बात करिए आप, एमिनिटी स्कीम बिल्कुल ठीक है, उसको हम मानते हैं, वो अच्छी चीज़ है, वो कोई बुरी चीज़ नहीं, और वो लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए। वो मैं कहता हूँ एक साल तक वो चलनी चाहिए, लोग अपना वाइट कराएं। बिल्कुल पाकिस्तान में ब्लैक मनी है, रियल एस्टेट में ही नहीं है, प्राइस बॉन्ड के अंदर ब्लैक मनी है, गोल्ड के बिजनेस में ब्लैक मनी है। हमें ही क्यों दीवार के साथ लगाया जाता है? आप किसी और से टैक्स लेते नहीं, प्रॉपर्टी वाले 10% पहले ही से हम 10% टैक्स दे रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की रियल एस्टेट टैक्स देती है। रियल एस्टेट सेक्टर में 10% दे रहे हैं, उसको बढ़ा के 20% कर रहे हैं। 1 करोड़ का प्लाट है, 20 लाख ट्रांसफ़र फीस कौन लेगा, कौन प्रॉपर्टी लेगा? इसलिए ये सारी चीज़ें जो है, नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र कम हो जाएगी। पहले DHA में 250 ट्रांसफ़रें होती थी DHA ऑफिस के अंदर, अभी इस टाइम 15 ट्रांसफ़र है, 15 से 20 ट्रांसफ़र, यानी कि 75% बिजनेस ख़त्म हो गया, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 95 ख़त्म हो गया। जो 5% इस टाइम बिजनेस चल रहा है इमरान खान साहब, वो भी हमारा बंद कराने के चक्कर में। इसलिए मैं इमरान खान साहब, शब्बर जैदी साहब, शेख अब्दुल हफीज़ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी चीज़ें वापस लें और हमें भी जीने दें। हम इंशाल्लाह आपको फंड जनरेट करेंगे। आप पाकिस्तान से बाहर जाके पैसे मांगते हैं, लोगों से कह रहे हैं पैसे दो, रियल एस्टेट के साथ यकीन जाने इतना पैसा है कि इसको ही वो खोल दें तो बहुत बेतहाशा फंड इकट्ठा हो सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप के ये चैनल के थ्रू के मैक्सिमम हमें फेवर दिलाई जाए और इसको टैक्सेस को वापस लिए जाएं, क्योंकि कारोबार चलेगा, मुल्क में तरक्की होगी, पैसा बाहर से भी आएगा और हमारा डॉलर फिर नीचे आएगा। आप रियल एस्टेट का बिजनेस बंद करोगे 200 से क्रॉस हो जाएगा डॉलर, गोल्ड 1 लाख से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लोग उधर चले जाते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप खुदा रहा इस पर रहम करें हमारे ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर, और इसको चलने दें बिजनेस को। थैंक यू। स्कीम जो है, अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट के जो उद्योगदार हैं उनका कहना है कि जो इजाफी टैक्स जो लगाए जा रहे हैं उनकी रोकथाम की जाए ताकि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो मुसलसल चल सके। यहाँ पर मजीद लोगों का जो है वो रुझान जो है वो होना शुरू हो गया है, काफी यहाँ पर जो है वो रश फैल रहा है। मजीद लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे और जानते हैं कि यहाँ पर इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आखिर ये इन बजट की वजह से कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी इनसे यही गुजारिश थी, हम जब हमारी 2 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, हमने उनको यही समझाने की कोशिश की है कि खुदा के लिए आप रियल स्टेट को समझें। जब आप रियल स्टेट को समझ जाएंगे, जिस तरह के बाकी मुल्कों ने समझा, दुबई ने क्या किया, दुबई ने रियल स्टेट को समझा, मलेशिया, तुर्की, सब रियल स्टेट को समझा, आप भी रियल स्टेट को समझें और इस सेक्टर से फ़ायदा उठाएं। लोगों का बिलियन और बिलियन डॉलर्स लगे हुए हैं, आप उनको उनका बेड़ा गर्क ना करें, वही डॉलर्स हैं जो आपको चाहिए। अगर आप इस सेक्टर को बंद कर देंगे तो ओवरसीज़ रेमिटेंस भी बंद हो जाएंगी, वही पैसा है जो लोग यहाँ से आपका कैपिटल फ्लाई कर रहा है और आप बाहर से जाकर लोगों से भीख मांग रहे हैं कि डॉलर्स दे दें। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं खान साहब, आप रोड्स पे निकलें, आप स्ट्रीट पॉलिटिशियन हैं, आप रोड पे निकलें। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जब रोड्स पे निकलेंगे, आप हम लोगों के अंदर तो आएँ, हमने आपको DHA से जितवाया हुआ है, आप DHA में आकर देखें तो सही हम किस हाल में हैं, हमसे बात करें आके। आप तो वही बादशाहत वाला सिस्टम चल रहा है, उससे बाहर निकलें, जिस तरह नवाज शरीफ और जरदारी में और फिर आप में क्या फ़र्क हुआ। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप बाहर निकलें, लोगों के अंदर आएँ, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझें। हर बिजनेसमैन तंग हो रहा है और हर इंडस्ट्री को आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये एक सेक्टर चल रहा था, इस सेक्टर का भी आपने तबाह कर दिया। मेरे आपसे ये सवाल होगा कि अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते, बल्कि आपके टेबल टॉक मीटिंग होगी, उसके बाद आपका लाया अमल क्या? जी हम पूरा पाकिस्तान एक ही पेज पे हैं। जिस तरह के कल भी बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हमारी हुई है इस्लामाबाद में, उससे पहले भी कॉन्फ्रेंस हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, आज रैलीज थी। ये बेसिकली एहतजाजी रैलीज थी, हमने कोई धरना नहीं था देना। अब अगला हमारा जो स्टेप होगा, हम हर एसोसिएशन अपने अपने एरिया के अंदर धरना देगी और फिर उस धरने पे तब तक वो बैठे रहेंगे, क्योंकि खान साहब तो कहते हैं कि धरना दें, तो हमने ही धरने दिए थे। खान साहब ने अकेले ने धरना नहीं दिया था, हम ही वो फोर्स थे कि जिन्होंने धरने दिए थे। हमें धरना देना आता है, हम पूरे पाकिस्तान में धरने दे के उनको बताएँगे, फिर मीडिया के चैनल से बताएँगे उनको कि आप गलत कर रहे हैं। जिस दिन उनको रियल स्टेट की समझ आ गई, उनको कहीं से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया। असल में आज के जो मुतालबात हैं उनका मकसद ये था कि नेक्स्ट अगर हमारे साथ ये जिस तरह लास्ट टाइम किया था, लॉलीपॉप दिया था, अगर नेक्स्ट टाइम किया गया तो हम
पूरे पाकिस्तान में पूरे तजब रादी को इकट्ठा करेंगे, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। परपज ये था, मैं उन्होंने कल बता दिया था कि मतलब आपसे हमारी मीटिंग तय है हफ्ते वाले दिन, लेकिन ये मकसद ही ये था कि हम नेक्स्ट फिर कर सकते हैं प्रोटेस्ट रिमाइंडर करवाने के लिए। बिल्कुल इस तरह ही किस तरह, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में एक यू टर्न चल रहा है, रियल स्टेट को ही जो है वो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। असल में आज तक इन्होंने हमारी रियल स्टेट को जो है ना इज्जत दी नहीं है, इन्हें माना ही नहीं है। हालांकि पूरा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू हम दे रहे हैं, और कोई इनका जो है ना आज तक इन्होंने माना ही नहीं हमें। प्रॉब्लम ये है कि इन्हें जो अपना इनके अपना अफसर वगैरह होते हैं जो वो जो इन कहते हैं वो ये करते हैं। सर अगर आपकी नई नेक्स्ट माना जाता और बजट भी अगर आप देखा जाए तो बजट असेंबली में मंजूर हो चुका है, उसके बारे में भी आप क्या कहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह उन्होंने हमें उधर FBR में बुलाया है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मतलब हमारे मुतालबात जो है ना जो जायज मुतालबात इंशाल्लाह माने जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी। आपको क्या लगता है ये जो बजट आया है क्या ये अवाम दोस्त बजट है? ये बजट जो है ये हमारी अवाम के लिए इतना जालिम है, शर्म आनी चाहिए हमारे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब को। ये कहा करते थे कि ऐसी महंगाई का बजट आए, महंगाई हो, बिजली महंगी हो, डॉलर महंगा हो, तो समझे हमारे मुल्क में चोर हुक्मरान आ गए। तो अब हमें यकीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चोर हुक्मरान है। इन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ये तो पहले भी जो रोजगार है वो छीन रहे हैं। दे तो रहे हैं 1 करोड़ नौकरियां, कहां रोजगार जब बंद होगा फिर निकलेंगे? वाह वेरी गुड, ये भी पता कि ठीक है। रियल स्टेट सेक्टर से 50 लोग वाबस्ता अपने बच्चों का चूल्हा जला रहे हैं, इन्होंने इन 50 लाख घरों के चूल्हे बंद करने की ठान ली है। शर्म आनी चाहिए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब को। हाँ जी, आपने देखा नहीं 1 करोड़ गिरा दिए उन्होंने, 50 लाख देने थे और गिरेंगे तो नहीं बनेंगे। उनका तो अपना घर भी गैर कानूनी था, जिन्होंने प्राइम उन्होंने चीफ जस्टिस ने जो है जमानत उन्होंने रेगुलर कराया। अगर वो वाकई अवाम का दर्द और दुख रखते हैं तो इन लोगों के घर भी उसी तरह रेगुलर करें कि जिससे अपना घर रेगुलर किया उन्होंने। हमने ये बताया कि बजट जो है वो असेंबली में ही थी, मैं थोड़ी देर पहले क्योंकि इजलास चल रहा था, बजट जो है अंदर पास हो चुका है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो गया, उसके ऊपर बहस भी जा रही है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी के लिए ये जो बजट है वो क्या लाएगा? मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर लाया गया है उसी तरह बजट भी लाया गया है, उसी तरह मंजूर भी हो गया। ये कौन सी नई बात है? जैसे प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड वैसे बजट भी सिलेक्टेड, कोई नई बात तो नहीं है? ये कोई नई बात बताए हमें। हमारा लाए अमल ये है कि चूल्हे हमारे बंद करने पे इन्होंने ठान ली है, तो लोगों ने भूखे घर बैठ के मरना है, हम सड़कों पे आकर मर के मरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मरना तो है ही, तो क्यों ना इनके सर चढ़ के मरेंगे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की। जो है वो FBR ने बल्कि के जो है वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी लॉन्च की है, 2018 में भी हुई थी, 2019 में भी हुई है, और उनका ये कहना है कि ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है ये हम लोगों ने लोगों के लिए फैसिलिटीज के लिए दी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस वक्त 5 अप्रैल 2018 को इसी रियल स्टेट सेक्टर ने इसी चौक में धरना दिया था, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी ने एमनेस्टी स्कीम दी थी, उसे 5 खरब रुपया आया था। अभी तक 233 केस आए हैं, इनमें वैसे शर्म आनी चाहिए। क्या एमनेस्टी स्कीम दी है? 7 तलवार ये जो लेके आए शब्बर ज़ैदी साहब FBR के चेयरमैन, 10 साल का रिकॉर्ड दें कि इन्होंने फाइल रिटर्न जमा करा के कितना टैक्स दिया है और हम कितना टैक्स दे रहे हैं, मुकाबला कर लें आप, मेरा चैलेंज है उनको। तो इनका कहना है कि जी हम लोग जो है हमारे जो है हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। और दूसरे नंबर पर इनका ये भी कहना है कि सिलेक्टेड वजीर आजम जो है उन्होंने अभी तक गरीब आवाम के लिए कोई फैसिलिटी मुयसर नहीं की गई, जहाँ पर कहा जाता है एक तरफ तो जो है वो 1 करोड़ नौकरियाँ देने की जो है वो ख्वाहिशात जाहिर की जाती है, आवाम को जो है वो दावे दिए जाते हैं कि आम आवाम को 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगे, वहीं पर जो है लोगों के रोजगार के ऊपर ताला लगाया जाता है। इसी के साथ दीजिए अपनी मेजबान को इजाजत, मिलेंगे मज़
مزید ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے